संवाददाता शिव कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिव कुमार जी, ये क्या हो रहा है? आश्वासन तो दिया गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, आश्वासन दिया गया था कि जो पुलिस ने रूट सुझाए हैं उन रूट्स का ही पालन किया जाएगा, लेकिन आश्वासन का पालन नहीं हो रहा। क्या आपकी भी नहीं सुन रहे क्या किसान? देखिए, जो हुआ है वो बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए था, परंतु दिखाई दे रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व इसमें प्रवेश कर गए हैं, जिनको रोकने का हम लोगों ने भरसक प्रयास किया था। संख्या बल बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए ये जो गड़बड़ियां हुई हैं उसमें हम उन लोगों को चिन्हित करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं। हम लगातार अपील कर रहे हैं अपने किसान साथियों से कि आप संयम बनाए रखें, अनुशासन का पालन करें और प्रशासन को सहयोग करें। जो स्थिति निर्मित हुई है निश्चित तौर से वो अत्यंत खेदजनक है, हम उसका खेद व्यक्त करते हैं और साथियों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें। नहीं, लेकिन शिव कुमार जी मानते हैं कि आपकी तरफ से कहीं ना कहीं चूक हुई है और ये चूक छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, क्योंकि इसकी कल्पना तो नहीं की गई थी और किसानों पर ये भरोसा था कि कम से कम जो आश्वासन आपकी तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि आप ही लोगों पर जिम्मेदारी थी, आप ही लीड कर रहे थे आप लोग, तो आप लोगों की बात कम से कम सुनी जाएगी, मानी जाएगी। आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में चूक गए। इसमें हमारे जो किसान संगठनों के कार्यकर्ता हैं वो बहुत अनुशासित होते हैं, परंतु चूंकि एक कॉल था कि तो जो किसी संगठन से संबंधित नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या भी काफी आई है और उन पर नियंत्रण किया जाना थोड़ा हमारे लिए कठिन जा रहा था, उसके वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। इसको मैंने अपील भी कर रहा हूँ किसानों से कि इसको तत्काल कंट्रोल करें, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो जहां मौके पर ये वारदातें हो रही हैं वहां पहुंचे और शांति कायम कर ली जाएगी, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। जो हो रहा है वो निश्चित तौर से शिव कुमार जी अच्छा नहीं हुआ है, वो गतवा जो है शांति कायम कर ली जाएगी, लेकिन अभी जो है स्थिति बहुत विकट है, बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति है। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, कई लोगों को चोटें आई हैं, कई लोग घायल हुए हैं, उसमें जो तमाम किसान पहुंचे हुए वो भी, पत्रकारों को भी चोटें लगी हैं। ऐसे में आपसे मैं चाहूंगा कि कम से कम आप न्यूज 24 के माध्यम से एक बड़ी अपील करें और बताएं और रोकें कि वहां पर इस स्थिति को कम से कम रोका जा सके, संभाला जा सके। देखिए, मैं देश के किसान वासियों से, किसानों से जो दिल्ली में हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अनुशासन का परिचय दें। आप लोगों ने 2 माह लगातार बहुत ही शालीन अनुशासन का परिचय दिया है। आगे हमारी 175 किसान शहीद हुए हैं, वो शहादत भी उनकी बेकार ना जाए और ये गांधीवादी चल रहे आंदोलन में जो तत्व घुस गए हैं, जो आंदोलन को बिखराव करना चाहते हैं, उनको निश्चित तौर से पकड़ें और प्रशासन के हवाले करें। मैं पुनः एक बार किसानों से निवेदन करता हूं कि इसका अविलंब इसको शांति बनाए जाने के लिए कारगर कदम उठाएं। दूसरा, ये दिक्कत आई भाई साहब इसमें यह कि पुलिस प्रशासन द्वारा 26 जनवरी के 23 तारीख से, 22 या 23 तारीख से ही इसको ध्यान में लाया गया कि ये आंदोलन है, ट्रैक्टर मार्च है। अगर इसको 15 से भी, हमारा मार्च 1 महीने से घोषित था, ठीक है, अगर ये 15 मार्च जो है के आसपास 15 दिन पहले अगर ये बातचीत होती तो आराम से बैठ के हम लोग कोई रूट तय करते, पर ये आखिरी दिन तक यानी कल तारीख तक भी बैठ के चलती रही है और जो रूट पुलिस के द्वारा दिए गए थे उससे किसान संतुष्ट नहीं थे और 1 घंटे में या 4 घंटे में संतुष्ट करना किसानों को थोड़ा दिक्कत होता है। तो किसान कल की बैठक में कह रहे थे कि ये रूट हमको पसंद नहीं है, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। 2 रूट ऐसे थे, पलवल और शाहजहांपुर के रूट में अभी तक सरकार की स्थिति अजीब सी रही, सरकार हमको लगातार योगेंद्र यादव इसको देख रहे थे, उन्होंने कहा कि आपका बदरपुर बॉर्डर से 2 किलोमीटर आगे आप दिल्ली में जाएंगे। किसानों की बहुत इच्छा थी कि हम कम से कम दिल्ली में तो पैर रखें, दिल्ली की सीमा में, और 2 किलोमीटर जाके वापस लौट के आ जाएंगे, परंतु इन्होंने पलवल के बॉर्डर पर ही हमको रोक दिया, बड़े बड़े ट्रक रोके, उसके बाद में लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज
ट्रैक्टर तोड़ दिए, ट्रैक्टरों की हवा निकाल दी, हमारे लोग घायल हो गए और तमाम अफरा तफरी मच गई। तो शिव कुमार जी, यानी कि सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर परेड का जो आप लोगों ने ऐलान किया था उसको देखते हुए प्रशासन सही तरीके से इसे मैनेज नहीं कर सका, क्या आप ये कह रहे हैं सीधे सीधे? हाँ, ये बात सही है कि आप 23 तारीख से बैठक करेंगे 22 तारीख से 26 तारीख के लिए कैसे संभव है, जहाँ 3 लाख ट्रैक्टर आना है, 540 संगठन है, ये संभव है ही नहीं है। पुलिस प्रशासन पहले मना करता रहा कि हम परमिशन नहीं देंगे, अचानक 22 तारीख को वो कहते हैं कि चर्चा कर लेते हैं, और 22 तारीख को एक मीटिंग होती है, 23 और 24 25 में एक एक मीटिंग होती है, पर इसमें बहुत जल्दी फैसला नहीं हो पाता है। तो पुलिस प्रशासन अगर इसको 15 दिन पहले बैठ के प्लान करते तो हम 4-5-6 दिन लगातार बैठ एक के तरफ, एक अपने तरफ लोगों तक भी संदेश पहुंचा कुमार जी, एक तरफ ठीक है प्रशासन से चूक हुई, आप ये चाहते थे कि और ज्यादा लंबे दौर तक बातचीत होती, लेकिन क्या ये आप मानते नहीं कि कहीं ना कहीं आप जो किसान नेता हैं आप लोगों से भी एक बड़ी चूक हुई है, किसानों को अपने समर्थकों को समझा नहीं पाए, और जो रूट तय था कम से कम आपने प्रशासन को आश्वासन तो दे दिया था ना कि इसी रूट पर आप लोग आगे बढ़ेंगे, उस रूट का पालन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप दुख तो व्यक्त कर रहे हैं लेकिन उसी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई और यह पूरा आंदोलन हिंसक हो उठा है। देखिए, जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, कोई ना कोई संगठन के, वो तो अनुशासित आज भी हैं और बैठे हुए हैं, जहां उनको समय दिया गया वैसे ही जा रहे हैं, मगर जो किसान किसी संगठन से संबंध नहीं है, जिनको अनुशासन के बारे में बहुत ज्यादा आंदोलन करने की जानकारी नहीं हो पाती है, तो वहां वो लोगों ने ये सब किया होगा। हमारा किसान तो अनुशासित है, जब 2 माह से अभी तक कोई वारदात नहीं हुई है तो आगे होने कोई कारण नहीं था, मगर सबसे बड़ी चूक पुलिस डिपार्टमेंट की है। सर, लेकिन आप ही ने तो पूरे देश से आह्वान किया था ना, आपको तो ये पता रहा होगा कि हाँ, तमाम जो अलग अलग संगठनों के परे भी ये सिर्फ संगठन तक ही सीमित नहीं रह गया आंदोलन, उसके बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका है, उसके परे भी किसान आएंगे, आपको तो स्थिति का अंदाजा रहा होगा। आप ये नहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो तमाम किसान नेता हैं उन्हीं पर जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पूरी नहीं कर पाए और एक चूक हो गई बड़ी? देखिए, कहीं ना कहीं चूक तो होती है, मगर हमने भरसक कोशिश की है कि आंदोलन और ट्रैक्टर मार्च पूरी तरीके से अहिंसक हो, और ये दुर्भाग्य है कि आज उसका हम खेद व्यक्त भी करते हैं कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। तो सर, अब आपको क्या लगता है, अब इस स्थिति को कैसे संभाला जाए और किसानों को क्या वापस आप आने की अपील करेंगे, या फिर आप चाहेंगे किसान नेता होने के नाते भी कि ये जो किसानों का जत्था अब आईटीओ तक पहुंच चुका है वो आगे भी बढ़े, क्या आप अपील करना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि वापस चले जाए यहां से या फिर आगे बढ़े? ये हम कभी नहीं चाहेंगे, वो वापस तत्काल लौटें, दिल्ली छोड़ें और शांति व्यवस्था कायम करने में हमारा सहयोग करें। तो आप वापस बुला रहे हैं जो तमाम किसान आईटीओ तक पहुंचे हुए, आप चाह रहे हैं कि दिल्ली छोड़ें? हमने कि आप तत्काल वापस लौटिए, ट्रैक्टर मार्च हो चुका है, आगे आप कुछ और नहीं करना है, और आप तत्काल अपने जहां से आप रवाना हुए थे वहां वापस आ जाएं। तो सर, क्या हम उम्मीद करें कि आप जो तमाम जो किसान नेता है वो आपस में भी मंत्रणा करके अब अलग अलग किसान संगठनों को और तमाम जो किसान अंदर तक पहुंचे हुए हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएंगे और हम ये देखेंगे कि कुछ 1 घंटे के अंदर ये स्थिति बदलेगी और शायद किसान वापस जाएंगे बॉर्डर्स पर? सबसे चर्चाएं हो रही, आपको निर्देश दिए गए हैं, निरंतर संपर्क किया जा रहा है, निरंतर इसको काबू करने के जो प्रयास हो सकते हैं वो किए